नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग में आज जो दो मैचेस खेले जाने वाले दोस्तों, उस मैच में दोस्तों हम लोग फर्स्ट मैच का बात करेंगे जो कि आपका पटना पायरेट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोनों टीमों का स्टार्टिंग से में दोस्तों कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोनों टीम में, क्योंकि दोस्तों इनका जो डिफेंस रहा है दोस्तों पटना का वो थोड़ा वीक चल रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ दोस्तों चेंजेस कर जाए। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान देखना, और साथ साथ दोस्तों जो मैं ड्रीम इलेवन टीम देता हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें मैंने बहुत सारे कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो कि आपको ड्रीम इलेवन में आपको काफ़ी अच्छा दोस्तों विन करवा सकता है। तो चलिए बात करते सबसे पहले दोनों टीमों का, देखते हैं कि स्टार्टिंग सेवन किस तरह से रहने वाला है। दोस्तों तेलुगु टाइटंस की तरफ से आपको दिख जाएंगे विशाल भारद्वाज कैप्टनसी करते हैं, अबुज़र बिन हार्डी हो जाएंगे इनके दोस्तों राइट कॉर्नर पे, उनके बाद फराद मिला गर्दन या फिर दोस्तों सी मनोज में से कोई एक खेलने वाला है। दोस्तों ये प्लेयर रिस्क लेने वाला, अगर आप रिस्क लेते दोस्तों यहाँ से फराद मिला गर्दन पे रिस्क लेना। उनके बाद यहाँ से राहुल चौधरी आपका मेन रेडर हो जाएंगे दोस्तों तेलुगु टाइटंस का, नीले सालों का सेकंड रेडर अनिल कुमार दोस्तों इनका हो जाएगा कवर। उनके बाद मोहसिन मकसूदली, उन्होंने बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा दोस्तों, बट पिछले दो मैचेस में ये फ्लॉप चल रहे हैं। फर्स्ट मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो इसलिए हमारे ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पीक हो सकते हैं दोस्तों मोहसिन मकसूदली। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए अब यहाँ से पटना पायरेट्स का टीम का, दोस्तों प्रदीप नरवाल आपको दिख जाएंगे दोस्तों मेन रेडर के रोल में, बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन फिर आने वाला है उसके दोस्तों इस मैच में, ये सुपर टेन लगा ले। इसलिए दोस्तों आप इन्हें जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन अपने टीम में जरूर बनाना। उनके बाद यहाँ से दोस्तों जयदीप आपके लिए हो जाएंगे सबसे बेस्ट विकल्प, विकास काले आपके लिए कवर खेलते दिख जाएंगे दोस्तों। यहाँ से मंजीत एज ए थर्ड रेडर के रूप में देखेंगे, ताइडियम क्यूम दोस्तों ये सेकंड कवर हो सकते हैं पटना पायरेट्स के। उनके बाद दीपक नरवाल आपको सेकंड रेडर के रूप में दिख जाएंगे, जवाहर डागर दोस्तों मुझे लगा कि कंफर्म खेलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, इसलिए मुझे लगता है जवाहर डागर खेलेंगे दोस्तों, विकास नहीं खेलने वाले दोस्तों, इसलिए विकास पर रिस्क मत लेना आप, जवाहर डागर पर ही रिस्क लेना। तो दोस्तों ये आपका स्टार्टिंग सेवन, मुझे लगता है कि इसमें से सभी प्लेयर सेफ है, सिर्फ एक दो प्लेयर अगर छोड़ दिया जाए तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि सभी प्लेयर कंफर्म। अगर मैं आपको इसमें से बहुत से ऑप्शन बता दूँ, यहाँ से विशाल भारद्वाज, अबुज़र मेघानी और दोस्तों राहुल चौधरी, नीलेश सालुंकी, अनिल कुमार, मोहसिन मकसूदली, दोस्तों ये मुझे सभी सेफ प्लेयर लग रहे हैं। वहीं पटना में दोस्तों मुझे तो यहाँ से सिर्फ जवाहर डागर के रिस्क लग रहा है, बट आपको 90% मैं श्योर बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से जवाहर डागर आज का मैच हो सके तो खेल सकते हैं, तो इसलिए अब रिस्क अगर लेना है आपको दोस्तों तब जवाहर डागर पर रिस्क लेना। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब ड्रीम इलेवन टीम की। दोस्तों मैं यहाँ से आपको तीन टीम देने वाला हूँ जो कि एक आपके लिए प्रॉपर ग्रैंड लीग की टीम होगी दोस्तों, दो आपके लिए स्मॉल लीग की टीम होगी, जो आपको टीम बेस्ट लगे दोस्तों उसके हिसाब से आप जा सकते हो। देखिए चलिए पहले बता दो कि फर्स्ट टीम किस तरह से है। फर्स्ट टीम में दोस्तों मैंने अबुज़र मेघानी और यहाँ से जयदीप दोनों टीम के बेस्ट कॉर्नर को लिया दोस्तों। अबुज़र मेघानी आपको तेलुगु टाइटंस तरफ से दोस्तों आपको राइट कॉर्नर खेलते दिखेंगे, वहीं जयदीप आपको लेफ्ट कॉर्नर खेलते दिखेंगे पटना पायरेट्स की तरफ से। तो अगर मैं आपको यहाँ से सेफ ऑप्शन बता दूँ तो विकास काले सेफ है, जवाहर डागर थोड़ा रिस्की बट आपने पिक कर सकते हैं, सी मनोज थोड़ा रिस्की है दोस्तों, मनीष सर के लिए रिस्की रहने वाला क्योंकि अगर पटना का डिफेंस अगर दोस्तों नहीं चलती है तब मनीष को एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया जाता है। विजय कुमार भी तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि खेलने वाले हैं, संकेत चौहान नहीं खेलेंगे, अपराध मिला गर्दन भी दोस्तों थोड़ा रिस्की है आप इन्हें पिक मत करना, सोमवीर शेखर थोड़ा रिस्की है दोस्तों, रविंद्र कुमार नहीं खेलने वाले हैं। उनके बाद दोस्तों यहाँ से मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को मौका मिलने वाला, यहाँ सिर्फ आपको अनिल को आप हो सके तो आप पिक कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है। वहीं बात कर लीजिए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर में मैंने सिर्फ विशाल भारद्वाज को पिक किया है दोस्तों, अगर आप चाहें यहाँ से तो मैं सिर्फ यहाँ पर मैंने अरमान को पिक किया है क्योंकि दोस्तों मुझे क्रेडिट मैनेज करना था। अगर आपके टीम में अगर सात प्लेयर में से दोस्तों अगर आपका छः प्लेयर ऐसा हो जो कि आपको मैच पलटने वाला प्लेयर हो और एक भले ही आपका प्लेयर दोस्तों मिस हो जाए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि दोस्तों अगर छः प्लेयर आपका परफॉर्मेंस कर जाए दोस्तों तो आप आसानी से विन कर सकते हो। तो चलिए बता दूं यहाँ से रेडिंग डिपार्टमेंट मैंने दोस्तों तीन प्लेयर को लिया है यहाँ से, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी और मंजीत। अगर आप चाहे दोस्तों यहाँ से तो किसी तरह यहाँ से मंजीत को हटाकर आप यहाँ से दोस्तों किसी एक बेस्ट डिफेंडर को पिक कर सकते हैं, यहाँ से जवाहर डागर को पिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप फराद मिला गर्दन पिक कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर पिक करना है दोस्तों यहाँ से अरमान को हटाकर आप यहाँ से मोहसिन मकसूदली को पिक कर लेना, और यहाँ से दोस्तों किसी एक जो आपको लगता है कि थोड़ा सा चांस है उन्हें पिक लेना है, फिर आप अगर आपका प्लेयर एक मिस भी होगा दोस्तों उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ से जयदीप, अबुज़र मेघानी, विशाल भारद्वाज, मोहसिन मकसूदली, प्रदीप नरवाल और राहुल दोस्तों ये छः प्लेयर जो आपके हैं वो बहुत बेस्ट हैं, भले ही दोस्तों विट्टू नरवाल नहीं खेले बट आपके लिए काफ़ी है दोस्तों, फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों ये रहा मेरा सेकंड टीम, सॉरी फर्स्ट टीम, चलिए दोस्तों देख लेते हैं सेकंड टीम में क्या है। तो सेकंड टीम में आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उसी तरह से चेंजेस किए हैं दोस्तों, अबुज़र मेघानी, जयदीप मुझे दोनों सेम रहने वाले दोस्तों डिफेंडिंग सेक्शन में। यहाँ से मैंने विजय को पिक किया दोस्तों जो कि ट्रंप कार्ड पटना के लिए साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये बीच में बहुत अच्छा पर्सन कर सकते। देखिए दोस्तों पिछले मैच उन्होंने 28 पॉइंट हम लोग को दे दिए जो कि काफ़ी अच्छा माइंड रखता है दोस्तों एज ए डिफेंडर, और मुझे लगता है कि एज ए डिफेंडर ही टीम में खेलने वाले हैं दोस्तों, बट कभी कभी रेड भी अच्छा कर लेते हैं। आप यहाँ से मैं पहले बता चुका आप विशाल भारद्वाज, मोहसिन मकसूदली को पिक कर सकते हैं, फिर यहाँ से डाइडियो क्यूम को दोस्तों पिक कर सकते हैं। रेडियन डिपार्टमेंट यहाँ देखते हैं मैंने T3 जो तीनों दोस्तों अपने टीम के टॉप दोस्तों रेडर मैं उन्हें पिक किया हूँ, दीपक नरवाल, राहुल चौधरी,
और प्रदीप, अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग खेले तो उनमें से बहुत कम ही लोगों के टीम में दोस्तों आपको ये तीनों प्लेयर देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लोग चाहेंगे कि यहाँ से विशाल भारद्वाज के पिक करें या फिर दोस्तों किसी और प्लेयर को पिक करें। इसलिए मैं यहाँ से बता दूँ आपको कि यहाँ से आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि दोस्तों अगर आप तीनों को पिक करने के लिए जाओ, अगर दोस्तों प्रदीप नरवाल तो मुझे कन्फर्म लगेगा दोस्तों ये 10 से 12 पॉइंट ये लेने वाले हैं। अगर यहाँ से दोस्तों आपके लिए अगर दीपक नरवाल अगर आपके लिए 8 से 7 पॉइंट ले लेते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा ये हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि मेरा सेकंड टीम रहने वाला है। इसे मैंने भी दोस्तों बिट्टू नरवाल को पिक किया जो कि मुझे लगता है कि आज का मैच खेलने वाले, बट थोड़ा क्रेडिट मैनेज करने के लिए मैंने पिक किया हूँ। ये रहा दोस्तों मेरा सेकंड टीम। अगर आप दोस्तों बता दो अगर आप बिट्टू अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मेरा सातों का सातों प्लेयर खेले तो यहाँ से आपको अबू जार्मी घानू की पिक करना होगा, यहाँ से आपको दोस्तों जयदीप पिक कर लेना, यहाँ से दोस्तों विशाल भारद्वाज पिक कर लेना, उनके बाद प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, उनके बाद यहाँ से दोस्तों मनजीत को पिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको विशाल भारद्वाज को छोड़ने वाले हैं। दोस्तों आपको टाई डियोक्यू को पिक करना होगा, उनके बाद यहाँ से दोस्तों मनजीत को आपको पिक करना होगा, उनके बाद एक डिफेंडर आप पिक कर लेना जो कि आपको यहाँ से फरहाद या फिर अनिल। इस तरह से दोस्तों आप एक आपका ऐसा ये टीम है दोस्तों जिसमें आपका सातों का सातों प्लेयर आप दोस्तों को खेलते दिख जाएगा। फिर से वहाँ दोस्तों कैप्टन मैच कैप्टन मेरा सेम रहेगा, आप चाहते इसमें कैप्टन मैच कैप्टन इसी तरह से रख सकते हो। ये दोस्तों मेरा रहा थर्ड टीम। वहीं बात करिए दोस्तों फोर्थ टीम की, तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने यहाँ से जयदीप, अबुजर मिगानी और बिट्टू नरवाल, फिर इसी तरह से मैंने दोस्तों तीन प्लेयर को पिक किया जो कि मुझे लगता है कि बिट्टू नरवाल खेलने वाले, बट थोड़ा रिस्की है। इन्हें मैं इसलिए पिक करता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरा जो 6 प्लेयर है वो मेरा कन्फर्म खेलने वाले हैं, 6 के 6 दोस्तों बेस्ट प्लेयर हैं। वहीं अगर आप चाहो दोस्तों यहाँ से हटा कर किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हो जो कि लगता है दोस्तों कि आपको कि हाँ 10% या फिर 9% का चांस खेलने का है, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ वाइस कैप्टन बनाया हूँ दोस्तों मोहसिन मकसूदुल्लू को। ये मेरा ग्रैंड लीग का पिक रहने वाला दोस्तों, क्योंकि मोहसिन मकसूदुल्लू को बहुत कम लोगों ने लिया होगा दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे मोहसिन मकसूदुल्लू को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। ये मुझे एज रेटर बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, अगर ये इन्होंने 8 से 10 पॉइंट अगर ले लेते हैं दोस्तों तो आपको ग्रैंड लीग आसानी से दोस्तों बहुत ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए मेरा कैप्टन तो सेम रहेगा, बट मैंने कैप्टन मोहसिन मकसूदुल्लू को पिक किया दोस्तों। ये बहुत ही रिस्की टीम है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो सिर्फ आप इसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना दोस्तों, स्मॉल लीग में इन्हें मत ट्राई करना। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोर टीम थर्ड। अगर आपको दोस्तों कोई भी टीम आपको पसंद आया दोस्तों उसके टीम के साथ जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप दोस्तों आप थर्ड सेकंड टीम के साथ जाना जिसमें दोस्तों आपका तीनों मेन रेडर हो, उसी टीम के साथ जाना, भले ही आपका बेस्ट डिफेंडर हो या फिर विजय भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बता दूं आपको कि आप थर्ड टीम के साथ सेकंड टीम के साथ ही जाना अगर आपको जाना चाहते हो, या फिर आप इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक अच्छा टीम आप क्रिएट कर सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी ये अच्छा रहता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको और आगे वीडियो चाहिए दोस्तों इसी तरह से तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।